हेलो मैम परफेक्ट फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपने ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की यूनिट 2, जिसमें आज हम लोग बात करेंगे अपने इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम के बारे में। और इस हफ्ते हम लोग कोशिश करेंगे कि HAP और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री दोनों ही सब्जेक्ट की यूनिट 2 को यहाँ पर कम्प्लीट कर सकें। और नेक्स्ट वीक से प्रॉबेबली हम लोग जो है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस को स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो बात करें हम लोग यहाँ पे इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम के बारे में। तो ये जो हमारा इंटीग्यूमेंट्री वर्ड होता है, इसका मतलब होता है कवरिंग, ठीक है, यानी कि आउटर कवरिंग आप लोग कह सकते हो, किसी चीज़ को कवर करना। तो जो हमारा इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम है, इसके अंदर बेसिकली हमारा स्किन आता है, हेयर्स आता है, नेल्स आता है और स्किन ग्लैंड्स आते हैं। तो आप लोग को पता है कि स्किन हमारी पूरी की पूरी बॉडी की आउटर कवरिंग होती है, ठीक है। हमारी पूरी की पूरी बॉडी स्किन से ही तो कवर है। आप लोग जहाँ भी देख रहे हो, ठीक है, आप लोग को बाहर से जो भी चीज़ दिखती है बॉडी के ऊपर, वो स्किन ही है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करती है, स्किन हमारी बॉडी को कवर करने का काम करती है, और इसीलिए इसको हम लोग जो है इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम के अंदर स्टडी करते हैं। अब डर्मेटोलॉजी हमारी वो ब्रांच होती है जिसमें हम लोग जो है इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं, और उनसे रिलेटेड जो भी ट्रीटमेंट होता है, जो भी डिजीज होती है, बीमारियाँ होती हैं, उन सबको भी हम लोग जो है डर्मेटोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। अब यार देखो, यहाँ पे जो हमारा इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम है, यहाँ से एग्जाम में सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्किन। अब ये क्वेश्चन या तो 7 नंबर में या तो 10 नंबर में भी पूछ लिया जाता है, और उसके बाद यहाँ पे कुछ शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे मतलब इसी टॉपिक से बनते हैं, ठीक है। यहाँ पे हेयर, नेल्स एंड स्किन ग्लैंड से कभी भी क्वेश्चन मतलब बहुत रेयर चांस में ही पूछे जाते हैं। तो हम लोग बेसिकली आज जो है अपने स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्किन को पूरी तरीके से कवर करके अपने इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम को पूरा ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बात करें अपने स्किन की, ठीक है। तो स्किन हमारी बॉडी की आउटर कवरिंग होती है, जैसा कि हमें पता है। अब देखो, जो ह्यूमंस होते हैं उसमें जो स्किन है वो जो है इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम का लार्जेस्ट ऑर्गन होता है, ठीक है। अब देखो, एनिमल्स में जो है अलग भी हो सकता है, जैसे कुछ कुछ एनिमल्स होते हैं वहाँ पे उनके हेयर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उनका लार्जेस्ट ऑर्गन हेयर होता है। लेकिन जो ह्यूमंस होते हैं, यानी कि हम लोग, तो हम लोग के लिए जो इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम है उसका लार्जेस्ट ऑर्गन हमारा स्किन होता है। तो ह्यूमंस में ये टोटल बॉडी वेट का 12-15% होता है, यानी हमारा जितना भी बॉडी वेट है उसका 12-15% हिस्सा हमारा स्किन ही है, ठीक है। अब उसके बाद देखो, जो स्किन की थिकनेस है, यानी कि जो हमारी स्किन है उसकी जो चौड़ाई है, वो यहाँ पे वेरी किया करती है 0.5 mm से 4.0 mm तक। तो 0.5 mm सबसे पतली होती है हमारी आईलिड्स पे, यानी कि जो हमारी पलकें होती हैं आँखों के ऊपर, उस वहाँ पे जो हमारी स्किन है सबसे पतली होती है। और जो हमारी सोल होता है, यानी कि जो हमारे पैर का नीचे वाला भाग होता है, वहाँ पे स्किन सबसे ज़्यादा मोटी होती है, ठीक है। वहाँ पे स्किन होती है 4.0 mm तक। अब यहाँ पे देखो, स्किन में बेसिकली हमें 3 लेयर्स देखने को मिलती हैं, जिसमें पहला है हमारा एपिडर्मिस, दूसरा है डर्मिस एंड थर्ड है हमारा हाइपोडर्मिस। अब यहाँ पे देखो, हाइपोडर्मिस एक्चुअली में स्किन की लेयर होती नहीं है, इसीलिए कुछ कुछ बुक में ये नहीं दी हुई है, लेकिन फिर भी मतलब स्टैंडर्ड बुक्स में दी हुई है, तो हम लोग इसको थोड़ा देख लेंगे, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देखो, देख सकते हो कि जो हमारा स्किन का स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो वो कुछ इस टाइप का होता है, जहाँ पे सबसे ऊपर होती है हमारी एपिडर्मिस, ठीक है, और सेंटर में होती है हमारी डर्मिस, और उसके नीचे होती है हमारी हाइपोडर्मिस। अब यहाँ पे देखो, जो हमारा एपिडर्मिस है, ठीक है, तो वहाँ पे जैसे ये हमारी ब्लड वेसल्स है, ठीक है, ये हमारी ब्लू है और ये हमारी रेड है। तो रेड कलर से मैंने नहीं बनाया, मैंने ब्लैक कलर से ही बना दिया है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आप लोग रेड कलर का तो यूज़ कर नहीं सकते हो। तो यहाँ पे ये हमारी ब्लड वेसल्स हैं जो हमारी एपिडर्मिस में नहीं प्रेजेंट होती हैं, ये हमारी सिर्फ डर्मिस लेयर में होती हैं, ठीक है, और हाइपोडर्मिस में भी कहीं कहीं कनेक्ट होती हैं। अब यहाँ पे देखो, जो हमारा एपिडर्मिस है, ठीक है, तो वहाँ पे हमारे हेयर फॉलिकल्स बाहर निकले हुए होते हैं, लेकिन इनकी जो जड़ें हैं वो हमारी डर्मिस लेयर में होती हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारा जैसे हमारी स्किन में जहाँ जहाँ भी हेयर्स होते हैं, बाल होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जो हमारे हेयर फॉलिकल्स हैं वो हमारी डर्मिस लेयर में होते हैं, ठीक है, और एपिडर्मिस के ऊपर उनके मतलब फॉलिकल्स जो है निकले हुए होते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे इन तीनों लेयर्स को जो है एक एक करके डिटेल में देख लेते हैं, ठीक है। तो बात करें हम लोग यहाँ पे एपिडर्मिस की, तो ये हमारी स्किन की सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है, यानी सबसे ऊपर हमारी एपिडर्मिस ही होती है। अब ये हमारी जो है केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम को जो है कंपोज करती है।
तो हम लोगों ने अपने टिश्यू वाले मतलब टॉपिक में देखा था कि उसमें जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू था उसमें हमारा स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम था। तो अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो हो सकता है थोड़ा थोड़ा याद हो, नहीं याद तो कोई बात नहीं। आप लोग इतना समझो कि जो हमारा एपिडर्मिस होता है वो एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बना होता है जो कि कैरेटिनाइज्ड होती है, ठीक है, यानी उनमें जो है कैरेटिन बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। तो देखो कैरेटिन जो है हमारी जो भी स्किन है उसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट में हमारा कैरेटिन ही प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो हमारी कैरेटिनोसाइट सेल के द्वारा बनाया जाता है। तो उसको अभी हम लोग आगे देखेंगे। अब देखो जो हमारी एपिडर्मिस है उसके अंदर कोई ब्लड वेसल वगैरह नहीं होती है जैसा मैंने बताया था आप लोगों को। और उसके बाद देखो अब यहाँ पे जैसे ब्लड वेसल तो इनके अंदर होती नहीं है तो ये नरिश कहाँ से होती हैं, क्योंकि भाई स्किन है तो उसको भी तो नरिशमेंट चाहिए, और अगर ब्लड वेसल की सप्लाई नहीं है तो उसको न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलेंगे। तो उसको जो हमारी एपिडर्मिस है इसको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं बाय द मैकेनिज्म ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। तो हम लोगों ने ट्रांसफर अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन में देखा था डिफ्यूजन प्रोसेस को। तो यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स का जो है डिफ्यूजन होता है कहाँ से, डर्मिस लेयर से। देखो डर्मिस में तो हमारी ब्लड वेसल होती ही हैं तो डर्मिस से डिफ्यूजन होके हमारी एपिडर्मिस तक न्यूट्रिएंट्स पहुँचते हैं, ठीक है। अब एपिडर्मिस के अंदर हमें 4 मेजर टाइप की सेल देखने को मिलती है, ठीक है, यानी एपिडर्मिस जो हमारी लेयर है उसके अंदर हमें जो है 4 टाइप की सेल्स जो है देखने को मिलती हैं, जिसमें पहला है हमारा कैरेटिनोसाइट्स, दूसरा है मेलेनोसाइट्स, थर्ड है हमारा लैंगरन सेल्स और फोर्थ है हमारा मर्कल सेल, ठीक है। तो इनके बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बात करें हम लोग जो है कैरेटिनोसाइट्स की। देखो आप लोग ये मत सोचो कि बहुत ही लंबा है, देखो भले ही टॉपिक जो है थोड़ा लेंदी है बट आप लोग ये भी तो देखो कितना ईजी है। आप लोग एक बार मतलब नोट्स को पढ़ के देखा करो, आप लोग को अगर एक भी वर्ड टफ लगे तो आप लोग बताना, बहुत ईजी है, ठीक है। बस यहाँ पे थोड़ा लेंदी है क्योंकि हमारा HAP जो है टॉपिक तो लेंदी है बट मैंने कोशिश की है कि लैंग्वेज बहुत ही ईजी हो, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे हमारा कैरेटिनोसाइट्स है तो इसके अंदर जो है तो जो हमारा एपिडर्मिस लेयर होता है तो उसके अंदर जितनी भी सेल होती हैं तो 90% हमारी कैरेटिनोसाइट्स होती हैं। तो मैंने आप लोग को बताया था इसीलिए क्योंकि ये जो कैरेटिनोसाइट्स है ये क्या प्रोड्यूस करता है, कैरेटिन, और इसीलिए हमारी जो स्किन है उसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट में कैरेटिन प्रेजेंट होता है। अब कैरेटिन जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटीन होता है जो हमारी स्किन को हार्डनेस प्रोवाइड करता है, ठीक है, और उसके बाद हमारी स्किन को वाटर प्रूफ भी बनाता है। तो हम लोग जब पानी से नहाते हैं तो क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि पानी हमारी स्किन से अंदर क्यों नहीं चला जाता है, मतलब एब्जॉर्ब होके हमारी बॉडी के अंदर नहीं जाता है ना पानी, क्यों? क्योंकि हमारी स्किन वाटर प्रूफ है। तो वाटर प्रूफ कैसे है, वाटर प्रूफ है क्योंकि कैरेटिन उसको वाटर प्रूफ बनाता है। और उसके बाद हमारी स्किन जो हार्ड है, ठीक है, मतलब थोड़ी बहुत चोट वगैरह जो हम लोग सह लेते हैं तो वो किस वजह से, वो हमारे कैरेटिन प्रोटीन की वजह से। और कैरेटिन बनता किससे है, कैरेटिन बनता है कैरेटिनोसाइट सेल से, ठीक है। कैरेटिनोसाइट्स हमारी वो सेल होती हैं जो कैरेटिन को प्रोड्यूस करती हैं। और वही बात करें हम लोग अपने मेलेनोसाइट्स के बारे में तो देखो ये यहाँ पे जो हमारी मेलेनोसाइट सेल होती है ये जो है 8% होती है, यानी कि देखो जैसे हमारी जो एपिडर्मिस लेयर है वहाँ पे अगर मान लो हमारी पूरी सेल है तो उसका 90% जो है कैरेटिनोसाइट्स होता है, बचा 8% मेलेनोसाइट्स होता है, और जो बाकी बचा 2% है उसमें हमारी बाकी 2 सेल्स होती हैं, यानी सबसे ज़्यादा अमाउंट में हमारी कैरेटिनोसाइट्स और मेलेनोसाइट्स प्रेजेंट होती हैं। अब ये मेलेनोसाइट्स क्या करती हैं, ये यहाँ पे मेलेनिन पिगमेंट को प्रोड्यूस करती हैं। तो आप लोगों ने अगर सुन रखा हो तो बहुत अच्छी बात है, बाकी नहीं पता तो जान लो कि मेलानिन हमारा येलोइश टू ब्राउनिश पिगमेंट होता है जो हमारे स्किन के कलर में कंट्रीब्यूट करता है, यानी हमारी बॉडी का जो भी कलर है, ठीक है, तो वो हमारे मेलानिन पिगमेंट की वजह से ही आता है। जिनके अंदर मेलानिन पिगमेंट थोड़ा ज़्यादा हो जाता है उनका स्किन कलर थोड़ा डार्क हो जाता है, और जिनके अंदर ये कम रहता है उनका स्किन कलर थोड़ा लाइट रहता है। अब देखो जो हमारा मेलानिन पिगमेंट है वो हमारा जो है हमारी स्किन को यूवी लाइट से प्रोटेक्ट करने का भी काम करता है। अब बात करें हम लोग यहाँ पे लैंगरन सेल्स की, तो ये हमारी बॉडी के रेड बोन मैरो से अराइज होती हैं, ठीक है, थीके? और उसके बाद हमारी बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्स में पार्टिसिपेट करती हैं, ठीक है, यानी हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है तो उसमें ये पार्टिसिपेट करती हैं और हमारी स्किन को जो है बैक्टीरिया और वायरस से प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक है, यानी कि अगर कोई बैक्टीरिया वायरस हमारी स्किन में मतलब अटैक करने की कोशिश करता है तो उससे प्रोटेक्ट करने का काम हमारी लैंगरन सेल्स करती हैं। और वहीं पे बात करें हम लोग फाइनली मर्कल सेल्स के बारे में, तो ये हमारी एक स्पेशलाइज सेल होती हैं जो कि रिसीव करती हैं सेंसेशन ऑफ टच, पेन, टेम्परेचर, हॉट कोल्ड सब कुछ, मतलब आप लोग ये समझो कि जैसे हम लोग अपनी स्किन को मतलब छूते हैं, ठीक है, तो वो जो भी टच का सेंसेशन होता है यानी सेंस, ठीक है, यानी कि हम आप लोग को पता है यार कि जैसे हमारी स्किन है उसमें अगर हल्का सा भी कुछ गर्म लगता है, ठंडा लगता है, या फिर चोट लगती है, या फिर
मतलब एक पत्ती भी आके अगर हमारी स्किन से टकराती है तो हमें तुरंत पता चल जाता है कि कुछ हमारी स्किन से जो है टच हुआ है। तो वो सारी चीज़ों का जो सेंसेशन है वो हमारा मर्कल सेल्स के द्वारा ही होता है। ठीक है, तो बात करें हम लोग यहाँ पे लेयर्स ऑफ एपिडर्मिस के बारे में, तो जो हमारी एपिडर्मिस होती है उसके अंदर भी हमें कुछ सब लेयर्स देखने को मिलती हैं, जिसमें पहला होता है हमारा स्ट्रैटम कॉर्नियम, दूसरा है स्ट्रैटम लूसिडम, थर्ड है स्ट्रैटम ग्रेन्यूलोसम, फोर्थ है स्ट्रैटम स्पाइनोसम, एंड फिफ्थ है हमारा स्ट्रैटम बेसिल। तो देखो यहाँ पे स्ट्रैटम सब में सेम है, बस आप लोग ये वाली चीज़ें याद कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बहुत ही सिंपली समझो, जैसे हमारी जो स्किन है उसमें सबसे नीचे क्या होता है हाइपोडर्मिस, और उसके ऊपर क्या होता है डर्मिस, और सबसे ऊपर क्या होता है एपिडर्मिस, और ये जो एपिडर्मिस है इसके अंदर भी पांच सब लेयर होती हैं जो कि हमारी ये सारी हैं। तो यहाँ पे आप लोग जो है इस फिगर में देख के समझ सकते हो, ठीक है, कि सबसे ऊपर हमारा ये वाला पोर्शन होता है, ये पूरी हमारी एपिडर्मिस है। ठीक है, तो एपिडर्मिस के ऊपर भी सबसे ऊपर होता है हमारा स्ट्रैटम कॉर्नियम, फिर होता है लूसिडम, फिर होता है ग्रैन्यूलोसम, फिर होता है स्पाइनोसम, एंड फिर होता है बेसिल। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करें स्ट्रैटम कॉर्नियम के बारे में, तो ये हमारी एपिडर्मिस की सबसे अपर मोस्ट यानी सबसे ऊपर हमारी जो है स्ट्रैटम कॉर्नियम होती है, और उसके बाद ये जो है 25 से 30 लेयर कंटेन करती है फ्लैट डेड केराटिनाइज सेल। ठीक है, यानी इसके अंदर की जो सेल्स होती हैं वो यहाँ पे फ्लैट शेप की होती हैं, और यहाँ पे जो इसकी सेल्स है वो यहाँ पे थोड़ी डेड टाइप की होती हैं। ठीक है, और इसीलिए जो है हमारी जो स्किन है तो वो यहाँ पे थोड़ी रिजिड होती है, हार्ड होती है। ठीक है, और यहाँ पे इसकी सेल जो है केरेटिनाइज्ड होती है, तो आप लोग को पता ही है कि केराटिन तो हमारी स्किन का सबसे मेजर जो है आप कह सकते हो प्रोटीन है। अब क्योंकि ये हमारी एपिडर्मिस की सबसे ऊपरी लेयर है तो ये यहाँ पे एक बैरियर की तरह एक्ट करती है अगेंस्ट हीट, वाटर एंड मैनी अदर केमिकल्स, यानी कोई भी चीज़ें अगर हमारी स्किन के ऊपर आती हैं तो सबसे पहले उसके लिए जो बैरियर होता है वो हमारा स्ट्रैटम कॉर्नियम होता है। और वहीं बात करें हम लोग यहाँ पे स्ट्रैटम लूसिडम की, तो यहाँ पे आप लोग एक चीज़ ध्यान देना कि जो हमारा स्ट्रैटम लूसिडम होता है वो सिर्फ थिक स्किन में ही प्रेजेंट होता है, और थिक स्किन कहाँ होती है, हमारी पाम में होती है यानी हमारी हथेली में होती है, और जो हमारा पैर की सोल होती है वहाँ पे हमें जो है ये देखने को मिलता है। ठीक है, बाकी कहीं भी हमारा ये प्रेजेंट नहीं होता है। अब यहाँ पे जो है ये हमारी फ्लैट डेड और केराटिनाइज सेल को कंटेन करता है, मतलब जैसा हमारा स्ट्रैटम कॉर्नियम था बिल्कुल सेम। ठीक है, और बात करें हम लोग यहाँ पे स्ट्रैटम ग्रेन्यूलोसम की, तो ये हमारी एपिडर्मिस के सबसे मिडिल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इसके अंदर जो है 3 से 5 लेयर होती हैं फ्लैट केरेटिनोसाइट सेल की, यानी बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पे जो सेल है वो यहाँ पे डेड नहीं होती है। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा स्ट्रैटम स्पाइनोसम है तो ये हमारी स्ट्रैटम बेसिल यानी कि जो हमारा एपिडर्मिस का सबसे नीचे वाला लेयर होता है उसके ऊपर प्रेजेंट होती है, और इसके अंदर जो है 8 से 10 लेयर होती है केरेटिनोसाइट सेल की। अब यहाँ पे बात करें हम लोग स्ट्रैटम बेसिल की, तो ये हमारी इस एपिडर्मिस के सबसे डीपेस्ट लेयर होती है, और ये यहाँ पे क्या करती है, ये जो हमारा एपिडर्मिस है और डर्मिस है, ठीक है, एपिडर्मिस के नीचे क्या होता है डर्मिस, तो उन दोनों के बीच में स्ट्रांग बॉन्ड बनाने का काम करती है, और उसके बाद जो हमारे फिंगरप्रिंट्स होते हैं उनके फॉर्मेशन में भी हमारा स्ट्रैटम बेसिल हेल्प करता है। ठीक है, तो यार आप लोग को पता है कि हमारी सबसे बड़ी पहचान हमारे फिंगरप्रिंट्स होते हैं, और उनकी फॉर्मेशन में हेल्प करने का काम हमारा स्ट्रैटम बेसिल करता है। ठीक है, और अब बात करें हम लोग यहाँ पे डर्मिस की, तो ये हमारी स्किन की सेकेंड डीपर लेयर होती है। ठीक है, और ये यहाँ पे मेनली कनेक्टिव टिश्यू को कंसिस्ट करती है। देखो एपिडर्मिस में क्या था एपिथेलियल टिश्यू, और डर्मिस में क्या है कनेक्टिव टिश्यू, तो आप लोग इसको याद रखना। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारी डर्मिस लेयर होता है उसके अंदर जो है ब्लड वेसल भी होता है, ग्लैंड्स भी होते हैं, ठीक है, हेयर फॉलिकल्स भी होते हैं, नर्व एंडिंग्स भी होती है। ठीक है, यानी सब कुछ हमारी डर्मिस लेयर में देखने को मिलता है। अब यहाँ पे डर्मिस लेयर को हम लोग जो है दो सब लेयर में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें पहला है हमारा पैपिलरी लेयर एंड सेकेंड है हमारा रेटिकुलर लेयर। तो देखो जो हमारा पैपिलरी लेयर है और जो हमारा रेटिकुलर लेयर है, तो देखो यहाँ पे जो पैपिलरी है इसके अंदर क्या होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू, तो कनेक्टिव टिश्यू में हम लोगों ने देखा था कि दो टाइप के होते हैं लूज और डेंस, तो यहाँ पे पैपिलरी में क्या है लूज है, रेटिकुलर में क्या है डेंस है। ठीक है, बस अब यहाँ पे जो पैपिलरी लेयर है तो ये स्मॉल ब्लड वेसल में रिच होती है, यानी कि इनके अंदर बहुत सारा अमाउंट में स्मॉल ब्लड वेसल्स देखने को मिलती हैं। वहीं पे जो हमारा रेटिकुलर लेयर है तो इसके अंदर हमारी फैट सेल्स होती हैं, ब्लड वेसल होती है, ग्लैंड्स होते हैं, हेयर फॉलिकल्स होते हैं, यानी कि डर्मिस लेयर का जो भी मेजर चीज़ें होती हैं वो हमारी रेटिकुलर लेयर में ही होती हैं। यहाँ पे जो हमारी पैपिलरी लेयर है ये यहाँ पे नर्व एंडिंग्स को कंटेन करती है, ठीक है, जो क्या करते हैं सेंसेशन को रिसीव करते हैं, यानी कि जो भी हमारा टच, पेन, हॉट, कोल्ड, इन सब का जो सेंसेशन होता है उसको रिसीव करने का काम हमारा जो है नर्व एंडिंग्स करते हैं। तो देखो इसको हम लोग जो है अपनी नर्वस सिस्टम में बहुत ही अच्छे से स्टडी करेंगे कि हमारा ये सब क्या होता है, बाकी अभी आप लोग थोड़ा शॉर्ट में समझ लो।
यहाँ पे देखो जो हमारा रेटिकुलर लेयर है, क्योंकि ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू को कंटेन करता है, तो इसीलिए ये क्या करता है, हमारी स्किन को जो है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करता है। और फाइनली हम लोग बात करें यहाँ पे हाइपोडर्मिस या फिर सबक्यूटिस के बारे में, तो यहाँ पे देखो ये हमारी स्किन का एक्चुअली में पार्ट नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ कुछ बुक में इसको कंसाइडर किया भी जाता है और कुछ कुछ जगह ये जो है नहीं कंसाइडर किया जाता है, बट आप लोग थोड़ा सा मतलब समझ लो। यहाँ पे जो हमारा हाइपोडर्मिस है ये बेसिकली करता क्या है, ये जो हमारी स्किन है उसको बोन्स और मसल से अटैच करने का काम करता है। देखो जो हमारी स्किन है वो सबसे ऊपरी लेयर है, और ये प्रेजेंट कहाँ होती है, हमारी बोन्स और मसल्स के ऊपर ही तो प्रेजेंट होती है, तो उनको अटैच करने का काम हमारा हाइपोडर्मिस करता है। यहाँ पे देखो ये हमारे जो हाइपोडर्मिस होता है ये हमारी फैट की स्टोरेज में भी हेल्प करता है। तो अब बात करें हम लोग यहाँ पे फंक्शंस ऑफ स्किन की, तो स्किन हमारी बॉडी में बहुत ही मेजर फंक्शंस परफॉर्म करती है। तो सबसे पहला फंक्शन होता है इसका प्रोटेक्शन, ठीक है। तो स्किन हमारी बॉडी को बहुत ही अलग अलग तरीक़ों से प्रोटेक्ट करने का काम करती है। तो जो हमारा केराटिन प्रोटीन होता है, ठीक है, तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था ये हमारा एक हार्ड टफ प्रोटीन होता है, जो कि हमारे जो भी अंडरलाइन टिश्यू होते हैं यानी कि स्किन के अंदर नीचे हमारे जो भी टिश्यू है, ठीक है, तो उनको यहाँ पे बैक्टीरिया वायरस और हीट और अदर केमिकल से प्रोटेक्ट करने का काम करता है। और उसी तरीके से जो हमारा मेलानिन पिगमेंट होता है वो हम लोगों ने देखा था कि हमें जो है यूवी रेज से प्रोटेक्ट करने का काम करता है। और उसी तरह बात करें हम लोग यहाँ पे सेकेंड फंक्शन की, तो अब देखो हमारी जो भी दवाएं होती हैं जैसे हमारा लोशन हो गया, जेल हो गया, ऑइंटमेंट्स हो गया, तो ये हमारी बॉडी से अंदर एब्जॉर्ब कैसे होती है, एब्जॉर्ब होती है हमारी स्किन के थ्रू, ठीक है। तो स्किन हमारा जो है एब्जॉर्प्शन में भी एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। और उसके बाद हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर होता है उसको रेगुलेट यानी कि उसको मैनेज करने में हमारा स्किन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब यहाँ पे देखो जैसे जब हम लोग बहुत ज़्यादा हम लोग को गर्मी वगैरह लगती है गर्मी के मौसम में, तो हमें जो है क्या होता है पसीना निकलता है, ठीक है। तो वहाँ पे होता क्या है कि जब हमें बहुत ज़्यादा गर्मी निकलती है तो हमारा बॉडी का टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है, ठीक है। तो हमारी बॉडी का जो एक नॉर्मल टेम्परेचर है वो कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस। तो जब इससे हमारा टेम्परेचर बढ़ जाता है तो हमारी स्किन क्या करती है, स्वेट ग्लैंड्स के थ्रू जो है स्वेट को रिलीज करती है, और उसकी वजह से क्या होता है हमारी बॉडी जो है दोबारा से कूल हो जाती है। और उसी तरीके से जब हमारी स्किन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज कर जाता है तो उसको कूलिंग करने के लिए हमारी ब्लड वेसल्स जो है डायलेट्स हो जाती हैं। डायलेट्स का मतलब क्या होता है, ब्लड वेसल यहाँ पे थोड़ा साइज उनका बढ़ जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसे समझो जैसे हमारा ये ब्लड वेसल है, ठीक है, ये हमारा नॉर्मल ब्लड वेसल है। तो यहाँ पे जब हमारा स्किन में बहुत ज़्यादा मतलब गर्मी वगैरह होती है, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ जाता है तो ये थोड़ी सी मतलब बढ़ जाती है, साइज इनका बड़ा हो जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि ब्लड जो है बहुत ही धीरे धीरे फ्लो करने लगता है, ठीक है। मतलब देखो जैसे टाइड है, ठीक है, तो ब्लड यहाँ पे तेज़ से फ्लो करेगा, और अगर हमारे ब्लड वेसल का साइज यहाँ पे बढ़ गया तो ब्लड जो है थोड़ा स्लोली स्लोली फ्लो करेगा, तो उसकी वजह से क्या होगा कि हमारी बॉडी जो है कूल होने लगेगी। और उसी तरीके से जब हमें हमारा बॉडी का टेम्परेचर फॉल करता है यानी कि हमें जब ठंड वगैरह लगती है तो हमारी ब्लड वेसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, यानी कि अब हमारी ब्लड वेसल क्या होगी, अगर हमें जो है ठंडी लग रही है और हमारी स्किन को गर्मी चाहिए तो हमारी ब्लड वेसल जो है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे यानी सिकुड़ जाएंगे यानी और पतली हो जाएंगी, और जिसकी वजह से क्या होगा हमारा जो ब्लड है वो और तेज़ी से फ्लो करने लगेगा। देखो इसको आप लोग बहुत ही सिंपली समझो, जैसे आप लोगों ने कभी अगर ट्राई किया हो कि जो हमारे पानी का पाइप वगैरह होता है तो हम लोग जब उसमें अपने अंगूठे से प्रेशर देते हैं तो वो पानी जो है और तेज़ी से अब बाहर निकलता है ना, तो उसी तरीके से यहाँ पे ये मैकेनिज्म काम करता है। और उसी तरीके से बात करें हम लोग यहाँ पे सिक्रीशन की, तो जो हमारी स्किन होती है, ठीक है, तो वो यहाँ पे अपने अंदर से बहुत सारी चीज़ों को सेक्रेट करती है, जैसे स्वेट ग्लैंड्स के थ्रू ये जो है जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सॉल्ट होता है, ठीक है, और जो भी यहाँ पे वेस्ट वगैरह होते हैं तो उनको यहाँ पे स्वेट ग्लैंड से जो है स्वेट यानी पसीने के फॉर्म में सिक्रीट करने का काम करती है। और उसके बाद जो हमारा सेबेसियस ग्लैंड होता है वो यहाँ पे सीबम को प्रोड्यूस करने का काम करता है, जो हमारी बॉडी को डिहाइड्रेशन से बचाता है, ठीक है। तो डिहाइड्रेशन हमारा फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आने वाला टॉपिक है, तो वहाँ पे हम लोग इसको समझेंगे। डिहाइड्रेशन में क्या होता है, बेसिकली हमारी बॉडी में वाटर की यानी पानी की कमी हो जाती है, ठीक है। और फाइनली हम लोग बात करें यहाँ पे लास्ट फंक्शन के बारे में, तो ये होता है हमारा सेंसेशन। तो हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से देख ही लिया है कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी सेंस वगैरह का काम होता है वो हमारी स्किन ही करती है, ठीक है। तो स्किन के अंदर बेसिकली जो है बहुत सारी नर्व एंडिंग्स होती हैं जो कि सेंसरी रिसेप्टर की तरह काम करती हैं, और ये जो है टच, हीट, कोल्ड, पेन, प्रेशर जितना भी होता है सबको सेंस करने का काम हमारा जो है स्किन करती है। तो आज की वीडियो में हमारा इंटीग्रेटरी सिस्टम कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने स्केलेटल सिस्टम के बारे में।
बाकी अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।